तो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी कैटेगरी स्क्रीन को डिज़ाइन करना, और ये हमारी लेवल स्क्रीन होगी, इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे और साथ के साथ रिजल्ट स्क्रीन को भी। ये सभी स्क्रीन से हम डिज़ाइन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने पहले से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैंने इमुलेटर को बूटस्टैप नहीं किया है, सो दैट कि परफॉर्मेंस सिस्टम तेज हो सके। आपको पता है जो इमुलेटर है वो काफ़ी ज़्यादा रैम को कंज्यूम करता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन है और इसको हम कर देते हैं। हमें यहाँ पे एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे पैकेज के ऊपर। यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं चार एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी, फिर मैं सारी की सारी एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसका नाम देता हूँ लाइक कैटेगरी एक्टिविटी, एक्टिविटी कैटेगरी से इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे सिंपल हिट करते हैं फिनिश पे, देन वेट करते हैं हमारा ग्रेडल सिंक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, पहले वाले जो एंड्रॉइड शूट होते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब ये जो काम है काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडल स्टार्ट हो चुका है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा। अभी हम अगर राइट क्लिक करके दोबारा से एक और एक्टिविटी अगर हम क्रिएट करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अभी मैं फिर से एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ लाइक लेवल्स एक्टिविटी, हमारी होगी लेवल्स एक्टिविटी। अब देन इसको मैं अगेन फिनिश पे क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हैं एक और बार हमारा जो ग्रेडल सिंक है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी का ग्रेडल सिंक स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं क्या तीसरा कर सकता है मेरा सिस्टम, बाद में मेरे सिस्टम की टेस्टिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे अब हम इसको नाम दे देते हैं लाइक रिजल्ट, या फिर हम इसको स्कोर नाम दे देते हैं स्कोर। तो एक्टिविटी स्कोर हो जाएगी, एंड देन इसको भी फिनिश पे क्लिक करते हैं। एंड यू कैन सी नाउ द थर्ड एक्टिविटी इज ऑल्सो क्रिएटेड। तो ये भी यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई है एक्टिविटी। तो ड्यूरेबल्स के थोड़े डायरेक्टर को क्या कहते हैं कम कर देते हैं, और एक्टिविटी भी क्रिएट हो गई है। एंड एक लास्ट एक्टिविटी और क्रिएट करते हैं जो कि हमारी स्प्लैश एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पे जाते हैं और यहाँ से एक और एक्टिविटी क्रिएट करते हैं स्प्लैश एक्टिविटी। यहाँ पे स्प्लैश, तो एक्टिविटी स्प्लैश यहाँ पे इसको कर देते हैं फिनिश। यू कैन सी नाउ द अगेन इज ग्रेडल सिंक स्टार्टेड, और ये हो चुका है कंप्लीट। तो सभी के सभी को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कैटेगरीज को, हमारी एक्टिविटी कैटेगरी है सेलेक्ट करते हैं, पहले यहाँ से लाके इसको करते हैं। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर लेआउट पे मैं काम करूँगा। लेआउट काम करने से पहले इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, बिकॉज गेटिंग वेरी इजी बाय यूजिंग विद द लीनियर लेआउट। तो कर देते हैं एरर को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लीनियर लेआउट हो चुका है। ओरिएंटेशन दे देते हैं इसकी, कर देता हूँ वर्टिकल। जब हम बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जो यूज़ करूँगा लाइक वो हो गई हमारी मेन स्क्रीन एक्ट, और यहाँ पे मेन एक्ट भी यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि ये पर्टिकुलर येलो कलर है हमारा। और फाइनली इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे हमारा टूल बार। तो यहाँ पे हमें टैग को ओपन करना होगा और यहाँ पे मैं टूल बार लिखूँगा और एक्टिविटी एंड्रॉइड एक्स एप कॉम्पैक्ट विकेट डॉट टूल बार। तो इस वाले टूल बार का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो विड्थ है वो मैच पेरेंट रहने दूंगा मैं, और जो हाइट है उसको मैं कर दूंगा लाइक एक्शन बार साइज। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी टाइप करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा, एंड देन यहाँ पे मुझे डबल लाइक एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एटर। देन इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं यूज स्पेसिफाई कर दूंगा एक्शन बार साइज। अब देख सकते हो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी पॉपअप होके आ चुकी है। अभी देन मैं यहाँ पे टैग को क्लोज करता हूँ, जाता हूँ इसके अंदर हमारे को प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है हमारा एक्शन बार, ये यहाँ पे हमारा एक्शन बार यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइट हो रहा है, वो भी पहले भी बताया। एंड देन इसके बाद मैं इसकी आईडी को सेट कर देता हूँ। तो आईडी यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ लाइक सेट अंडरस्कोर टूल बार, मैंने आईडी यहाँ पे सेट कर दी है। देन इसका जो हमारे को बैकग्राउंड कलर है वो मैं प्रोवाइड करना है, तो बैकग्राउंड। एंड देन यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे एट द रेट यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ कलर, नॉट अ ब्लैक कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक कलर प्राइमरी, देखते कलर प्राइमरी हमारा क्या है। तो यहाँ पे मैंने डार्क जो कलर प्राइमरी सेट कर रखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देंस की हमारे को जो थीम है उसको भी चेंज करना होगा। यहाँ से हम इस पर्टिकुलर थीम को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जो कि एंड्रॉइड थीम है, छोटा पॉपअप थीम। यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे हमारे पास डार्क एक्शन बार हमारे को यूज़ करना है। यहाँ पे स्टाइल ऐप थीम, और यहाँ पे एक्चुअली हमारे को थीम डॉट ओवरले यूज़ करनी पड़ेगी। तो थीम नॉट ट्रीम इज एक्चुअली अ थीम डॉट ओवरले। तो ओवरले यहाँ पे थीम है नहीं, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ही थीम रहने देता हूँ जैक जो हमारे को यहाँ पे पॉपअप हो रही थी, बिकॉज उसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। तो ऐप थीम रहने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्शन बार आ चुका है, क्योंकि इसकी ज़्यादा हमारे को लाइक इतनी ज़रूरत नहीं, कोडिंग तो हमारी इस पर्टिकुलर बॉटम लेआउट पर होने वाली है। एंड देन क्योंकि हमारे को यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्क्रीन है, तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर एक लाइक
भी डिस्प्ले कराना पड़ेगा, जैसे आप कह सकते हो लाइक टेक्स्ट, कि पता चले ये टेक्स्ट कौन सी स्क्रीन है, कि अदरवाइज यहाँ पे सिंपली नेम लिखा आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरीज डिस्प्ले हो रहा है, तो ये एक्शन बार में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक स्पेशल टेक्स्ट व्यू भी लगा सकते हो, वहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं, और यहाँ पे हमारी कैटेगरी नेम्स आएगी। बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू मैंने यूज़ किया है फॉर डिस्प्लेइंग द लेवल्स। तो आप चाहो तो ऐसा काम आप कैटेगरीज पे भी कर सकते हो, बट मैं रहने देता हूँ, लाइक यूआई सही नहीं रहेगा, मगर आपको करना हो तो कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप लाइक लेवल्स पे देख रहे हो, टोटली अप टू यू। साथ इस पे और यहाँ पे मैं लाइक यूज़ करता हूँ ग्रिड व्यू, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइक ग्रिड, फिर हमारा ग्रिड व्यू। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू यूज़ किया, एंड देन इसकी यहाँ पे हमारे को जो विड्थ है वो करनी होगी मैच पेरेंट, एंड जो हाइट है उसको मैं कर दूंगा 0 dp। तो यहाँ पे देर इज़ नो सजेशन, तो 0 dp कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। नॉट अ सेल्फ क्लोज, हमारे को यहाँ पे प्रॉपर टैग को क्लोज करना होगा, और यहाँ पे हमारा ग्रिड भी यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ग्रिड व्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे को कुछ प्रॉपर्टीज इंसर्ट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी आईडी करते हैं, एंड देन यहाँ पे जो कैट ग्रिड है, यहाँ पे मैं आईडी स्पेसिफाई कर देता हूँ। कैट ग्रिड व्यू मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर दी है, एंड देन यहाँ पे मेरे को वेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो लेआउट वेट मैं यहाँ पे देता हूँ 1, एंड देन यू कैन सी यहाँ पे जो हमारी ग्रिड व्यू है उसके आप देख सकते हो आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आइटम 1 और सब आइटम 1। ओके, तो यहाँ पे अभी तक डिस्प्ले हो रहा है। देन यहाँ पे मैं लेआउट मार्जिन देना चाहता हूँ चारों तरफ से, तो ये अगर आपको अभी मैं दिखाता हूँ इसको टाइप करके। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज़ करूँ, आपको मेनली यहाँ पे डायमेंशन डॉट एक्सएमएल बनानी चाहिए और वहाँ पे यूज़ करूँ, बट क्योंकि यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस मार्जिन प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो हमने यहाँ पे 10 dp स्पेसिफाई किया है, एक्चुअली में हमारे को हेल्प करेगी कुछ इस तरीके की। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन आ रही है, अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जो देख सकते हो साइड में जो येल्लो येल्लो सी स्क्रीन आ रही है, गैप्स आई, ये एक्चुअली मार्जिन है। मार्जिन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन 10 प्रॉपर्टी यूज़ की है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे को कॉलम विड्थ भी यूज़ करनी है, यहाँ पे मैं कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। और कॉलम विड्थ आप कितनी देना चाहते हो, यहाँ पे 100 dp दे देते हैं कॉलम विड्थ। ओके, एक पर्टिकुलर कॉलम कितना बड़ा होगा इस पर्टिकुलर ग्रिड व्यू का, क्योंकि आपको पता है ग्रिड व्यू एक्चुअली में ग्रिड्स के अंदर काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे लेवल स्क्रीन पे देख रहे होगे, अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको मैं बंद कर देता हूँ, पर्टिकुलर कितना काम करता है ग्रिड व्यू। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कॉलम विड्थ दे दी है। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है, एंड देन यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं सेंटर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, जो कि होगी सेंटर। देन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन स्पेसिंग होगी, यानी हर एलिमेंट के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है, उसको भी मैं कर देता हूँ 12 dp। तो यहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डिस्प्ले कराना चाहता हूँ मैं एक यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर। तो अगर आप 1 करेंगे तो एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा, अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 कॉलम्स में डिस्प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो आपको 3 यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्ले कराएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन में कितने ज़्यादा लेवल्स है और कितनी ज़्यादा कैटेगरी। अगर आपकी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा कैटेगरी है और एक ही स्क्रीन पे मैनेज करना चाहते हो, आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर आप 24 आइटम्स डिस्प्ले करा सकते हो, यानी 24 डिफरेंट कैटेगरीज। बट क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 ही यूज़ करूँगा। ये जस्ट एक यूआई का पार्ट है, आप कैसे दिखाना चाहते हो टोटली आपके ऊपर है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के बाद यहाँ पे मैं वर्टिकल स्पेसिंग का भी यूज़ करता हूँ, और इसको भी मैं कर दूंगा 12 dp। तो हर एक एलिमेंट के बीच में जो स्पेसिंग है वो भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी है। ये पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारी जो पूरी की पूरी जो कैटेगरी स्क्रीन है वो डिज़ाइन हो चुकी है। अब आपको पता है कि ग्रिड व्यू के अंदर हर एक चीज़ को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक आइटम यूज़ होता है, यानी एक लेआउट यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक एलिमेंट। एक हमारे को ग्रिड व्यू को जो यूज़ करने का हमें क्या चाहिए होता है, अडेप्टर। तो अडेप्टर को क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर हम उसको सेट बना के देते हैं, एंड देन वो उस सेट को रिपीटेडली बना के हमें प्रोवाइड करता है। ये एक तरीके का कंसेप्ट है, अगर आपने बेसिक्स ऑफ अडेप्टर्स पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो मैं आपको बता दिया है। तो अडेप्टर्स होते हैं, यानी जो ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू हमारा जो रिसाइकलर भी होता है, उसको एक फाइल चाहिए होती है, आउट फाइल कहते हैं, आइटम करता है। तो एक आइटम हम बना के हम उसे बता देते हैं कि भाई वो इस तरीके का, और उसके अंदर हम कोडिंग के थ्रू एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, जाते हैं यहाँ से पे एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं लाइक लाइक कैट आइटम। तो यहाँ पे कैट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर लेआउट मैं इसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, टोटली अप टू। और यहाँ से इसको मैं चेंज कर देता हूँ लीनियर लेआउट में, एंड देन हिट करते हैं ओके। देन ये कहने का मेरा जो मतलब है वो हम बनाना क्या चाह रहे हैं, ये जो हम अगर आप देखें यहाँ पे जो कार्टून्स और मूवीज दिखा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर लिस्ट आइटम है, यानी हम एक सेट बनाएंगे और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। आप चाहो तो इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस भी चेंज कर सकते हो रन टाइम पे, टोटली अप टू यू। तो वो सारा काम यहाँ पे होगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को अगर आप इसका कलर देखें तो येलो है यहाँ पे इसका, तो हमें रेड सेट करना है।
कैटेगरीज का येलो है, तो जो आइटम का कलर है वो हमारा यहाँ पे रेड होने वाला है। तो लीनियर लेआउट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो मैंने वर्टिकल रखी है। टैब पे क्लिक करते हैं ताकि हम यहाँ पे काम कर सकें। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होने वाला है। पहले हमारे यहाँ पे कैटेगरी एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और एक और ड्यूरेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं और उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कैटेगरी। यह कैटेगरी बैकग्राउंड होने वाला है, ये हमारा हो गया यहाँ पे कैटेगरी बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, हमारा जो कैटेगरी बैकग्राउंड है यानी इसके अंदर हम कोड को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्टर है वो सिलेक्टर ही रहेगा, फिर हम यहाँ पे बंच ऑफ कोड को स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टैग यूज़ करूँगा वो होगा आइटम, और आइटम को मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर होने वाली है शेप, तो शेप आपको कौन सी यूज़ करनी है वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी होगी। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले कॉर्नर्स यूज़ करूँगा, तो कॉर्नर्स की तरफ से जो रेडियस प्रॉपर्टी है उसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 20 dp, थोड़ा राउंडेड हमारे को चाहिए। एंड देन इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर्स को बंद कर दूंगा। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा, जो कि होगी ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, वो ये रही हमारी। देन यहाँ पे स्टार्ट कलर दे देंगे और यहाँ पे हम कलर का जो वैल्यू है वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, ये मैंने पहले से नोट डाउन करके रखी हुई है। ये कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारा स्टार्ट कलर है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा एक और कलर हम यूज़ करेंगे जो कि होगा एंड कलर, और यहाँ पे हैशटैग, और यहाँ पे हम D3 कर देते हैं और यहाँ पे 0101 कर देते हैं। तो ये हमारा लाइक एंड कलर हो गया। देन यहाँ पे आपको एंगल भी प्रोवाइड करना है, एंगल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 90, यानी 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा। और देन फाइनली इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा पर्टिकुलर कोड हो गया, इसको कंट्रोल ऑल्ट और हम यहाँ पे अगर एल प्रेस करेंगे तो ये एक्चुअली में प्रिंट हो जाएगा, यानी फॉर्मेट हो जाएगा। ये हमारी कैटेगरी बैकग्राउंड है जो हम करेंगे। तो बैकग्राउंड पे आते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कैटेगरी बैकग्राउंड। तो जो हमारी कैटेगरी बैकग्राउंड हमने क्रिएट की है, तो ये हमारी आइटम लेआउट हो गई है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइटम है इतनी बड़ी है, तो हम इतना बड़ा आइटम नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमारे को यहाँ पे जो हाइट है उसको मैच पेरेंट से चेंज करके करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा लिमिटेड हाइट में। तो 150 dp मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आप देख सकते हो कुछ हद तक ये हमारा इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी ऊपर की तरफ स्पेसिंग है, तो वो मैं स्पेसिफाई करनी होगी, तो वो हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी देंगे, तो मार्जिन टॉप हम दे देंगे 10 dp। तो ज़्यादा नहीं हम देंगे प्रॉपर्टी मार्जिन, मतलब कि जो मार्जिन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, 5 dp ज़्यादा नहीं होती। बट क्योंकि जो हमारा मार्जिन है, जो कि हमारा पर्टिकुलर इस जो ग्रिड हुआ है इसका मार्जिन में अगर आप देखो तो 10 dp है, तो आइटम बिल्कुल थोड़ा सा और 5 dp नीचे आके डिस्प्ले होगा। दैट इज द रीजन कि हमारे को यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की प्रॉपर्टी नहीं देनी। तो इस वाली एग्जाम्पल को मैं क्लोज कर देता हूँ, जो कि बैकग्राउंड डॉट एग्जाम्पल थी। तो ये हमारे यहाँ पे सब कुछ हो चुकी है। एंड फाइनली एक लास्ट प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, जो कि है ग्रेविटी, इसको हम कर देते हैं सेंटर। और यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, यानी एक टेक्स्ट व्यू जो कि डिस्प्ले कराएगा, टेक्स्ट व्यू जो कि हम सर्वर से डेटा को फेच करेंगे तो उसे हमें डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करेंगे। इसे मैच पेरेंट कर देते हैं और मैच पेरेंट। एंड फाइनली इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसकी आई डी हम लगा देते हैं। जो आई डी है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, जो कि होगी कैट नेम। तो ये यहाँ पर हमारी कैटेगरी नेम डिस्प्ले कराएगी। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी नेम डिस्प्ले होगी, जो भी होगी, कार्टून्स, मूवीज़, पोगोमोन, पोकीमोन वगैरह, जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। ये लोगो क्विज एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे को। यहाँ पे मैं कैट वन लिख, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कैट वन जो है वो काफ़ी लाइक डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो हमारे को उसको सेंटर में डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऑल कैप्स को कर देता हूँ फॉल्स, हमारे को कैपिटल्स में ना लिख रहा हूँ। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसको हमें सेट करना होगा। ग्रेविटी मैंने यहाँ पे सेंटर में करी, तो जैसे सेंटर में करी तो आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है हमारा वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के सेंटर में आ चुका है। टेक्स्ट व्यू जो कंटेंट है उसके अंदर वो सेंटर में आ गया। तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमारे को व्हाइट कलर यूज़ करना पड़ेगा। तो FFF यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी का कलर है वो कर दिया मैंने वाइट। और यहाँ पे टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देते हैं 28 sp। ये हमारी यहाँ पे कैटेगरी एलिमेंट क्रिएट हो गई है। थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आप चाहो तो उसको क्रिस्प कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट साइज बोल्ड, मैं रिकमेंड इतना नहीं करता, बट मैं मेनली करता हूँ तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे कैटेगरी स्क्रीन हमारी हो जाएगी। लेवल एक्टिविटी सेट मोड में जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेवल्स एक्टिविटी को डिज़ाइन करना। मीन सबसे पहले तो हमने कैटेगरी डिज़ाइन की थी, अब हम एक्टिविटी लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे। तो ये भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तब कोड जो है वो सेम रहने वाला है। करता हूँ ताकि सबसे पहले एंड्रॉइड का जो हमारा टूल बार है इसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। यहाँ पे मैं पहले लीनियर लेआउट बना देता हूँ, हमारे को लॉट्स ऑफ एरर देखने पड़ेंगे, देता हूँ। हमारे यहाँ पे टूल बार आ गया, बैकग्राउंड की कलर की कर देते हैं, आ गई है, हाइट है, प्रॉपर्टी आ गई है और
पे हमारी लेवल्स आ गई। देन यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट व्यू को शॉर्ट करना है, आता हूँ वो डेट आइटम है यहीं कॉपी कर लेता हूँ, तो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज करना है, दैट इज यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, राइट एंड कर देता हूँ रैप कंटेंट, हमारा यहाँ पे आ गया है जो रैप कंटेंट बिल्कुल साइड में आ गया। यहाँ पे जो इसका कलर है उसको चेंज कर देते हैं 00 आ गया, एंड देन मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट यहाँ पे दे देते मार्जिन दे देते हैं 10 dp का, मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देते हैं टॉप से हमारा लाइक 10 dp हो गया। एंड यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट कर देते हैं लेवल्स, लेवल्स आ जाएंगे लेवल्स होंगे हमारा यहाँ पे लेवल स्क्रीन का आधा काम हो चुका है अगर आप देखें तो कुछ ऐसे, क्योंकि जो लेवल्स होता है इसके लिए भी हमारे को लाइक एक आइटम की ज़रूरत होती है। इसके अंदर भी हम ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ लेवल्स दिखाने हैं, तो अगर आप देखेंगे ये भी ग्रिड व्यू का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे हम कैटेगरीज जाते हैं, यहाँ से इस ग्रिड को कॉपी कर लें, यहाँ पे हमारे लेवल्स पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, एरर तो थोड़ा सा नहीं है ज़्यादा ही है, तो इस टेक्स्ट व्यू को हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा और यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू को पेस्ट कर, जो आईडी है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हम सेट्स ग्रिड व्यू कह देते हैं या फिर सेट्स कह लो या फिर लेवल्स ग्रिड व्यू आप इसे, तो इसे हम लेवल्स कह देते हैं, सेट्स लेवल्स ग्रिड। हाँ देखते हैं कैट ग्रिड व्यू यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा हो गया, एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हम कराने हैं ताकि हमारे को एट अ टाइम दो लेवल्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए, आप चाहो तो तीन भी कर सकते हो बट इज़ टोटली अप टू यू। एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे चाहें तो एक साइज है हमारे डिवाइस को चेंज करता रहता है, तो फिट प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन आ रहे हैं डिवाइस पे अप्रोक्सीमेटली अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी फाइनली लेवल स्क्रीन भी टाइम हो चुकी है, आई थिंक यहाँ पे जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट साइज से 10 मिनट का हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लैश स्क्रीन हमारी लिज़र्ड स्क्रीन है उसको हम डिज़ाइन, तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को डन करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मेरे चैनल का नाम जो है वो कोविद विजय है, तो सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।